वेलकम टू स्टडी आई क्यू नेम इज अमित वरी दिखिलोर एंड दिस इज लेक्चर नंबर ट्वेंटी वन ऑफ द स्पेक्ट्रम दैट इज़ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री आज के हमारे इस डिस्कशन में वी विल स्टडी अबाउट द इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रॉम नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी टू नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी टू और उन्नीस सौ बीस से लेकर उन्नीस सौ बाईस तक दो मेजर uh, स्ट्रेंड्स थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के जिनका नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड द खिलाफत आंदोलन ये दोनों के दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं खिलाफत आंदोलन या खिलाफत मूवमेंट आप इसको कह सकते हैं या फिर बेसिकली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सो टुडे वी विल स्टडी कि 1920 से लेके 1921 तक बेसिकली 1922 तक बेसिकली इंडियन नेशनल मूवमेंट जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स से सेल्फ गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में इंडियंस uh, के द्वारा चलाई गई थी उसमें किस किस प्रकार के इवेंट हुए थे विल ट्राई टू यू दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड द खिलाफत मूवमेंट हम इनका जेनेसिस भी पढ़ेंगे कि क्यों खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होती है वाइड इज दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट जो है ये दोनों एक दूसरे से अलाइन करती है फॉर द स्टार्टर्स मैं बेसिकली ये बता देना चाहता हूँ जस्टिस फॉर द स्टार्टर्स हम इस समय इंडियन नेशनल मूवमेंट या फिर इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वी आर फॉलोइंग दिस बुक विच इज नेम्ड एज द स्पेक्ट्रम इस पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज के द्वारा हम 1850 से लेके नाइनटीन तक जो कि इंडिया का मॉडर्न आधुनिक भारत का जो इतिहास है हम उसको स्टडी करेंगे इसके लिए हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में दो बुक रिकमेंडेड होती है एक तो ये मॉडर्न इंडिया की है हिस्ट्री टेक्स बुक ऑफ क्लास ट्वेल्थ ऑल्सो कॉल्ड एज दी ओल्ड एन सी आर टी एंड अनदर वन इज द स्पेक्ट्रम विच इज़ काइंड ऑफ अ रेफरेंस बुक जिसके अंदर थोड़ा सा कंसाइज नोट्स फॉर्म्स के अंदर सो हमारा जो ये हिस्ट्री का जो मॉडर्न uh, हिस्ट्री के जो ये 200 साल हैं इनको थोड़े से नोट्स फॉर्म में लिख दिया गया है ये दोनों बुक्स हमें बेस बनाकर पढ़नी है इसके साथ साथ द थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट थ्री विच इज़ कॉल्ड एज द न्यू एन सी आर टी वी ऑल्सो हैव टू स्टडी दैट मैं इन दोनों बुक्स को ओल्ड एन सी आर टी और स्पेक्ट्रम को इस सीरीज के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ मेरी रिकमेंडेशन होगी कि वंस वी आर डन विद दैट और हमने इसके आंसर्स और क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया हो राइटिंग प्रैक्टिस कर ली हो तो ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री को भी बेसिकली पढ़ लिया जाए क्योंकि कुछ क्वेश्चन आजकल रिसेंटली इससे भी आने लगे लेट्स गो विद दैट नेक्स्ट वाले में बात करते हैं आज का जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम का चैप्टर चैप्टर नंबर नंबर 16 16 है है द उसका टाइटल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड द खिलाफत आंदोलन हम पहले बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि ये दोनों स्टार्ट क्यों हुई थी उसके बाद ये खिलाफत इशू व्हाट इज दिस वर्ड खिलाफत खिलाफत आंदोलन खिलाफत मूवमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इंडियंस किस प्रकार की खिलाफत कर रहे हैं या उसका क्या पर्टिकुलर रीजन है खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस प्रकार से एक दूसरे के साथ आती है एंड व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट कांग्रेस का खिलाफत क्वेश्चन के ऊपर क्या स्टैंड था इंडियन नेशनल मूवमेंट 1885 से लेकर 1947 तक पढ़ते हैं तो हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय की सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी या फिर इस समय इंडिया इंडियंस uh, India, की सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स सो वट डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस ट अबाउट द खिलाफत क्वेश्चन मतलब की जो एक खिलाफत का पॉलिटिकल रिलीजियो पॉलिटिकल इशू था उसके बारे में इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या परस्पेक्टिव था मुस्लिम लीग सपोर्ट टू कांग्रेस मुस्लिम लीग वॉज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोलिटिकल पार्टी ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट हु केम ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम सेपरेट इन कॉन्ट्रास्ट विद द कांग्रेस सो उन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तब ये नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट को थोड़ा स्टडी करेंगे कि ये मूवमेंट स्प्रेड कैसे हुई थी लोगों ने कैसे कैसे पार्टिसिपेट किया था एंड हाउ डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम एक्चुअली रिस्पॉन्डेड टू इट एंड किस वजह से महात्मा गांधी जिन्होंने बेसिकली इस जो कि इस मूवमेंट के सूत्रधार थे जिन्होंने स्टार्ट की थी उनको इस मूवमेंट को उन्होंने विड्रॉ कर लिया एंड देन वी विल ट्राई टू इवेल्युएट कि खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बेसिकली इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या जंग है वट इज द बेसिकली द्लेस ऑफ दैट दैट इज वट द आइडिया इज इफ यू नीड द पी डी एफ ऑफ दिस लेक्चर इन केस यू डू नीड इट दिस इज अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम चैनल बाय द नेम ऑफ अमित किलहोर Uh, इस पे आने वाले जो हिस्ट्री uh, के नए वीडियोस जब आएंगे उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाती है तो यू शुड ज्वाइन इट एंड इन केस यू नीड टू कनेक्ट विद मी यू कैन एक्चुअली कनेक्ट विद मी ऑन दिस इंस्टाग्राम हैंडल नाउ बिफोर वी बिगिन हम उससे पहले कुछ भी बिगिन करने से पहले एक बार थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली सा माइल्ड सा बैकग्राउंड ले, ले लेते हैं बहुत ही छोटा सा लाइक बिल्कुल सिंपल सा Uh, हम इस समय इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट का हमने uh, 1850 से लेकर 1950 का जो समय था उसको अगर हम स्टडी करते हैं तो वी रियलाइज कि दैट इज बेसिकली द स्टोरी हाउ ब्रिटिश इंडिया या फिर ब्रिटिशर्स ने इंडियन सब टेरिटरी पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि पाकिस्तान आज का भारत और आज का जो बांग्लादेश है इस पूरी की पूरी टेरिटरी पर किस प्रकार से पूर का पूरा का पूरा कंट्रोल किया था थ्रू सेवरल वॉर्स फर्स्ट विद बंगाल देन 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 विद 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 मराठास पंजाब एम्पायर विद बेसिकली सिंध उन्होंने किस प्रकार से वो किया था ये जो पूरी कहानी है अठारह सो से सत्रह से अठारह तक चलती है एंड आफ्टर एटीन बहुत ही सटल डिफरेंसेज आ गए थे क्योंकि जो पहले सौ साल थे में जो इंडिया था वो दैट वॉज बीन रूल्ड बाई द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देन सिंस एटीन हंड्रेड फिफ्टी एट डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया पर रूल किया करते थे इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट मोड आता है 1885 से 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी जन्म लेती है उस इंडियन नेशनल पॉलिटिकल इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन एंड उसके पीछे का पर्पस बिकॉज देर आर सेवरल हिस्टोरियंस जो ये कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई थी एज ए सेफ्टी वॉल सेफ्टी वॉल्व कहने का क्या मतलब अठारह में एक बहुत मेजर विद्रोह हुआ था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इज कॉल्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सो इन 1885 ब्रिटिशर्स थॉट कि जो इंडियन मिडिल क्लास है या फिर जो इंडियन इंटेलिजेंसिया है उनके इश्यूज उनके कंसर्न्स को बाहर निकालने के लिए कि कहीं दोबारा से ऐसा मेजर रिवोल्ट ना हो जाए और पूरे ब्रिटिश एम्पायर को बाहर ना फेंक दे हमें एक सेफ्टी वॉल्व क्रिएट कर देनी चाहिए ताकि उनके इश्यूज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा कर करके बाहर निकल जाएं सो दैट इट नेवर टर्न्स इनटू अ रिवोल्ट

1885 हंड्रेड 1905 इसको कहते हैं एरा ऑफ मॉडरेट्स कहने का क्या अर्थ है कि इस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके जो लीडर्स हुआ करते थे उनकी जो आइडियोलॉजी थी और उनका जो बेसिकली ब्रिटिशर्स से डील करने का तरीका था वो रिलेटिवली स्पीकिंग जो नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर में जो लीडर्स थे उनके रिलेटिवली मॉडरेट था मॉडरेट इन द सेंस कि वो प्रेयर और पेटिशन में बिलीव किया करते थे जो ये रिसेंट जो नए अठारह में से 1905 तक जो कांग्रेस बनी थी और उस समय जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लीडर्स हुआ करते थे

1905 में अगर देखेंगे तो बंगाल आज का जो वेस्ट बंगाल है आ, उस आज का जो बांग्लादेश है आसाम का कुछ पार्ट बिहार का कुछ पार्ट और ओडिशा का कुछ पार्ट इस पूरे के पूरे टेरिटोरियल एरिया को इस प्रोविंस को बंगाल कहा जाता था मतलब कि इट वाज बेसिकली वेरी ह्यूज इन साइज देश की 25 प्रतिशत जो आबादी थी वो बेसिकली बंगाल के प्रोविंस में रहा करती थी सो नाइनटीन हंड्रेड में जब इंडिया के वाइस रॉय कर्जन हुआ करते थे उन्होंने डिसीजन लिया कि बंगाल को दो भागों में पार्टीशन कर दिया जाए ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव दिखाते हैं के, कि वो जो इंडियन नेशनल मूवमेंट ग्रो करने लग रही थी उसको ब्रेक डाउन करना चाहते थे बंगाल को दो प्रोविंस में भाग के एक तो बेसिकली हिंदू मेजोरिटी का और दूसरा मुस्लिम मेजोरिटी का जो वो स्टैंडर्ड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी रहा करती थी ब्रिटिशर्स की जब बंगाल पार्टीशन हुआ तो देश के अंदर एक पहली मास मूवमेंट हुई थी, जिसको कहते हैं स्वदेशी और दी बॉयकॉट मूवमेंट उस समय के जो बंगाल के लीडर्स थे उन्होंने निर्णय लिया कि बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जाएगा एंड क्या नॉवेल मेथड निकाला उन्होंने प्रोटेस्ट करने का द दैट कि दे बॉयकॉट द ब्रिटिश गुड्स मतलब कि इकॉनमिक एक प्रकार की मूवमेंट थी और वो क्या करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी यानी कि जो देश में बना हुआ सामान है जो देश में बने हुए कपड़े हैं जो देश में बने हुई चीजें हैं सिर्फ उनको यूज करेंगे और ब्रिटिशर्स की जो बाहर से जो चीजें एक्सपोर्ट होकर आ रही हैं यूरोप से या फिर ब्रिटेन से उनको बेसिकली बॉयकॉट कर देंगे तो ये 1905 में हुई बहुत ही मेजर मूवमेंट थी इस मूवमेंट के साथ एक इंपॉर्टेंट बात जुड़ी हुई है कि इस मूवमेंट में कांग्रेस बहुत ही डीपली इन्वॉल्व थी लेकिन कांग्रेस में दो डिवाइसिव से स्ट्रैंड मतलब कि दो स्ट्रैंड बने एक तो बेसिकली मॉडरेट्स का एंड दूसरा एक्सट्रीमिस्ट का जैसे मैंने बताया कि 1885 से 1905 तक जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का फेज है उसको एरा ऑफ मॉडरेट्स कहा जाता है एंड नाइनटीन से लेके नाइनटीन तक उसको एरा ऑफ एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है एक्स्ट्रीमिस्ट एक्सट्रीमिस्ट इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ ये जो लोग थे जो लीडर्स हुआ करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के दे वर स्लाइटली मोर रेडिकल देन मॉडरेट्स। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेयर और पेटिशन में यकीन नहीं करते थे रादर ये बेसिकली मास मूवमेंट के अंदर ये लोगों को इंस्पायर करने में जर्नलिज्म में गवर्नमेंट uh, के अगेंस्ट आर्टिकल्स uh, लिखने में उनके अगेंस्ट प्रोपोगेंडा करने में यकीन करते थे तो इनके जो वे जो वर स्लाइटली मोर रेडिकल मोर एक्सट्रीम देन द हेंस इनको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है तो यहां पर इसी के कॉन्टेक्स में हम पढ़ते हैं राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म मिलिटेंट नेशनलिज्म मतलब कि वो पॉलिटिकल लीडर्स उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो कि बेसिकली ब्रिटिशर्स से हैंडल करने के लिए उनकी डिमांड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के ऊपर पूरा का पूरा विश्वास नहीं है इनमें जो सबसे पॉपुलर तीन मिलिटेंट नेशनलिस्ट लीडर हैं उनको लाल बाल पाल कहा जाता है लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक एंड दी विपन चंद्रपाल ये तीनों के तीनों अलग अलग देखिए अगर आप नोटिस करेंगे तो तीनों के तीनों अलग ज्योग्राफी से हैं एक पंजाब से है एक महाराष्ट्र से है एक बंगाल से है जो कि उस समय की सबसे जो कि जो तीन ऐसे प्रोविंसेस थे जहां पे सबसे मेजर पॉलिटिकल एक्टिविटी हुआ करती थी तो ये जो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट उन्नीस में स्टार्ट हुई थी

इसके बेसिस पे हम थोड़ा सा इवेलुएशन करते हैं कि स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट ने आखिर इंडियन नेशनल मूवमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट कैसे किया देन वी विल डिस्कस अबाउट इट कि वो बेसिकली धीरे धीरे किस प्रकार से खत्म हुई और इसका जो खत्म होना है उसका जो कलमिनेशन होता है वो होता है दो साल बाद यानी कि नाइनटीन में जिसको सूरत स्प्लिट कहा जाता है

डू समिंग हम ऐसा कुछ लॉ कानून बनाएंगे जिससे जो इंडियंस हैं वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे दैट आइडिया कि नए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आने वाले हैं और उन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में इंडियंस को बड़ी सारी सी लेवरेज दी जाएगी उसकी वजह से मॉडरेट्स नहीं चाहते थे कि गवर्नमेंट को इतना ज्यादा अपोज किया जाए कि कहीं वो बैक ट्रैक ना कर ले सो so, इस वेट में उन्होंने बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट का सपोर्ट नहीं किया नाउ द प्रोमिस्ड Came in 1909 इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि मॉरले उस समय हमारे देश के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हुआ करते थे अब ये थोड़े से क्या नाम है इनफिशियंट थे ये जो थे वो बेसिकली नेशनलिस्ट को इवन मॉडरेट को एक्सट्रीमिस्ट को सबसाइड नहीं कर पाए उनकी डिमांड थी वो उतनी अच्छी तरीके से मानी नहीं गई थी मॉडरेट्स well, रिफॉर्म्स हमें पढ़ना होता है 1911 से लेके 1919 तक का समय क्यों क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि 1905 से 1919 तक को एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म कहा जाता है तो 1909 तक तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हो गया उसके बाद दो स्ट्रैंड्स पढ़ते हैं 1910 से लेके 1911 से 1918 तक ये इरा ये जो हिस्ट्री का टाइम पीरियड है ये एक और महत्वपूर्ण चीज के लिए इंपॉर्टेंट है कि 1914 से लेके 1918 तक वर्ल्ड वॉर वन चल रही थी राइट? Right? So, उसकी वजह से इंडिया के अंदर होने वाले भी इवेंट्स इंपैक्ट कर रहे थे तो so, इसी में हम दो चीजें पढ़ते हैं। एक्सट्रीमिस्ट तो, कांग्रेस के, का के साथ निकाल देना दिस थिंग कुछ जो यंगर लोग थे दे वर ग्रेविटेटेड टूवर्ड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज

बाल गंगाधर तिलक और एनी बसंत के द्वारा बनाई गई होम रूल लीग होम रूल का मतलब क्या है होम रूल घर का राज स्वराज काइंड ऑफ अ थिंग तो ब्रिटेन ने आयरलैंड को होम रूल दिया था होम रूल देने का मतलब यह है कि दो आयरलैंड वाज़ अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटेन लेकिन वहां पे जो गवर्नमेंट थी वो आयरिश लोगों की ही हुआ करती थी मतलब कि पार्लियामेंट में जो लोग हुआ करते थे या फिर बेसिकली जो देश के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वाइस राय जो भी होते थे वो जनरली आयरिश हुआ करते थे सो दे वर ग्रांटेड होम रूल सो द कांग्रेस लीडर्स स्टार्टेड डिमांडिंग होम रूल फ्रॉम द ब्रिटिशर्स कि हमें हमें खुद को राज करने के लिए अवेलेबिलिटी दीजिए या पॉसिबिलिटी दीजिए तो ये होम रूल लूग होम रूल लीग इसलिए स्टार्ट हुई थी और दो लोग इसके अंदर प्रोमिनेंट है द फर्स्ट वन इज बाल गंगाधर तिलक सेकेंड वन इज एनी बसंत दो हमने ये की हैं मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इनकेस अगर आप इस समय बता सकते हैं तो होम रूल लीग के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि दो होम रूल लीग हैं उसकी फिजिकल टेरिटरी याद रखनी है कि एनी बसंत की होम रूल लीग कौन कौन सी टेरिटरी में थी और बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग कौन कौन सी टेरिटरी में थी दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट लेटर ऑन वाई क्योंकि जब होम रूल लीग फिजल आउट हो जाती है इसका थोड़ा सा काम खत्म हो जाता है तो नाइनटीन नाइनटीन में महात्मा गांधी होम रूल लीग के जो वॉल्टियर्स थे इनको लेकर स्वराज सभा बनाते हैं सत्याग्रह सभा बनाते हैं विच इजन सत्याग्रह अगेंस्ट दी रॉलेट एक्ट ठीक है एंड सेकंड लखनऊ पैक्ट वो जो सूरत में सूरत स्प्लिट हुआ था राइट सूरत में बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स हट गए थे वहां पर बेसिकली लखनऊ पैक्ट वर्ल्ड वॉर टू के समय में इंपॉर्टेंट चीज है कि ये दो पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों को साथ में लाया जाता है

1793 से लेकर 1915 तक जो उनका समय था साउथ अफ्रीका में उसको स्टडी करना होता है वैन ही कम्स टू इंडिया इन 1917 एंड 18 उन्होंने तीन इंपॉर्टेंट मूवमेंट की थी सबसे पहली चंपारण फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और फिर खेड़ा सत्याग्रह इनको स्टडी करने के बाद हम आते हैं 1919 में 1919 में मार्च 1919 में गवर्नमेंट वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो चुकी है वर्ल्ड वॉर उन्नीस में खत्म हो गई थी नवंबर 1918 में मार्च 1919 में गवर्नमेंट एक लॉ पास करती है जिसको कहते हैं रॉलेट एक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको काला कानून ब्लैक एक्ट कहती है रॉलेट एक्ट अगर बहुत छोटी सी समरी देखी जाए तो इन्होंने बेसिकली इस एक्ट ने भारतीयों की जो लिबर्टी थी उसको बेसिकली कर्टेल कर दिया था ये लॉ कहता था कि किसी भी इंडियन को अगर वो उस पर शक है पुलिस को कि वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी एंटी नेशनल एक्टिविटीज कर रहा है तो उसको बिना किसी वारंट के और बिना किसी ट्रायल के दो साल तक जेल में रखा जा सकता था सो तो इस एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए

1919 uh, kind of उस समय ब्रिटिशर्स uh, जनरल डायर uh, ने बेसिकली उनके ऊपर गोलियां चला दी थी एंड अनऑफिशियल कांग्रेस के जो एस्टिमेट है वो कहते हैं कि मोर देन थाउजेंड पीपल डाइड और दो हजार से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए थे Now,

इसके ऊपर क्या नाम है एक कमेटी बिठाई जाती है जिसको कहते हैं हंटर इंक्वायरी कमेटी हंटर कमेटी सो so, ये था 1919 तक का बेसिकली इंडियन नेशनल मूवमेंट का हिस्सा और इसके बाद 1920 में देन वी स्टार्ट विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट द खिलाफत मूवमेंट अब हम उसके बारे में आज स्टडी करते हैं कि वो क्या था बिफोर वी स्टार्ट बिफोर वी स्टार्ट हम एक बेसिकली अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी देखिए कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक से किस प्रकार के आ सकते हैं तो द बेसिक क्वेश्चन वुड बी डिस्कस द अचीवमेंट्स एंड द फेलियर्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी हाउ डिड इट इम्पैक्ट दब्सिक्वेंट फ्रीडम मूवमेंट्स इन द प्री इंडिपेंडेंस इंडिया ठीक है एक छोटा सा दो सौ पचास दो सौ पचास वर्ड्स का एक क्वेश्चन आ सकता है आपसे पूछा जा सकता है मेन्स uh, में जनरली कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी क्या उसके अचीवमेंट्स क्या थे और उसके फेलियर्स क्या थे बेसिक किसी भी चीज का किसी भी मूवमेंट का किसी भी इंसिडेंट का हिस्ट्री में एनालिसिस करते वक्त हमें बेसिकली यही देखना होता है कि एक इवेंट हुआ है या एक मोमेंट हुई है स्टार्ट जेनेसिस किस प्रकार से हुआ और, और क्या अचीवमेंट और क्या फेलियर है दूसरा डिस्कस द नेचर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट एंड ब्रिंग आउट इट्स रोल इन फॉर्मेशन ऑफ द नॉन के बीच में क्या है। दूसरा इसके ऊपर खिलाफत मूवमेंट एक प्रकार की ना रिलीजियस मूवमेंट थी हम अभी स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि थोड़ी सी रिलीजियस मूवमेंट थी देयर वाज अ पर्टिकुलर रिलीजियस एंगल टू दैट मूवमेंट महात्मा गांधी हु वी परसीव और वी क्लेम एज अ सेक्यूलरिस्ट वाई वुड ए सेक्यूलर पर्सन स्टार्ट सपोर्टिंग अ रिलीजियस मूवमेंट और क्या उसका कुछ अगले सब्जीक्वेंट उसके कुछ इम्पैक्ट हुए थे क्योंकि अगर हम स्टडी करें तो खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर्स थे लेटर ऑन दे पार्टिसिपेटेड एंड प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिन मेकिंग द आइडिया ऑफ द पाकिस्तान अली ब्रदर्स की मैं बात कर रहा हूँ महात्मा so गांधी उनके सेकुलर क्वेश्चन थे, क्या वो हो थे? Movement, we'll कि अब अगर हम पढ़ें कि क्या पर्पस हो सकता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का चलिए पढ़ते हैं ड्यूरिंग नाइनटीन हंड्रेड नाइनटीन से ट्वेंटी टू के बीच में ठीक है यहां पे बात करते हैं ब्रिटिशर्स बेसिकली दो मास मूवमेंट से अपोज हुए थे विच इज सिंपल खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये दोनों की दोनों सेम है मतलब इकट्ठे ही है ठीक है अलग अलग पै... मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो रहे हैं दे आर डूइंग पैरेलली और वो एक दूसरे के साथ कन्वर्ज करने की कोशिश भी की गई है दोनों मूवमेंट्स के द्वारा दो मूवमेंट अलग अलग सेपरेट इशूज से अराइज होती है एक होती है रॉलेट एक्ट और जलिया वाला बाग मैसेकर से और खिलाफत मूवमेंट होती है वर्ल्ड वॉर टू के एंड की वजह से वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटिशर्स एक साइड पर थे और दूसरी साइड पर था ओटोमन एम्पायर तुर्की के जैसे तुर्की के नाम से जैसे आप जानते हैं ब्रिटिशर्स वर ऑन द साइड ऑफ द विनर्स तुर्की वाज़ ऑटोमन एम्पायर वाज़ ऑन द साइड ऑफ द लूजर्स सो जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई तो ब्रिटिशर्स ने

ये दोनों के दोनों मूवमेंट अलग अलग स्ट्रैंड से इमर्ज हुई थी बट इन्होंने बाद में कॉमन प्रोग्राम अडॉप्ट कर लिया दैट प्रोग्राम वॉज नॉन कोऑपरेशन हम बेसिकली ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे दैट वॉज दी वे देर एक्चुअली प्रोटेस्टिंग इट खिलाफत इशू डायरेक्टली इंडियन पॉलिटिक्स के साथ रिले, आ, क्या नाम है रिलेटेड नहीं है जैसा कि मैंने बताया कि वो रिलेटेड है इंटरनेशनल इशू है

मूवमेंट जनरली एक प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सैंक्शन प्लेस्ड ऑन द ऑटोमन एम्पायर ठीक है ऑटोमन एम्पायर प्रेजेंट डे जो टर्की है उसके कॉन्टेक्स्ट में आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं वर्ल्ड वॉर वन से पहले इसको ऑटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था एंड ऑटोमन एम्पायर एंड जर्मनी वर ऑन दी वन साइड जर्मनी एंड द ऑटोमन एम्पायर वाज ऑन दी वन साइड ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन and the Britishers and the France was on the second side of the World War One. Now these these people they lost the war. They basically won the war. तो so, जो ये winners थे, इन्होंने इनके ऊपर कई सारे sanctions लगाएं। So हम context में understand करते हैं कि ऐसे कौन से sanctions लगे थे Ottoman Empire के बारे में। वो जो sanctions लगाने का process था, उसको कहते हैं Treaty of Sevres. Treaty of Sevres यानी कि winners के बीच में और Ottoman Empire के बीच में treaty sign हुई है World War Two, World War One हारने के बाद, that is called as the Treaty of Sevres.

Caliphate. Caliphate. बट पहले अगर हम 1920s की बात तो खलीफा all over world, जो थे उनका रिलीजियस लीडर माना जाता था एंडर ऑफ दैट ट्रीटमेंट बाई द ब्रिटिशर्स मीटेड टू दर वॉज नॉट लाइक बाई द इंडियन मुस्लिम एंड दे स्टार्टेड मूवमेंट विच इज कॉल्ड खिलाफत मतलब अपोजिंग

मेन्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम ये है आप में से जो भी बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू थिंक कि देर आर सम फाइनेंशियल कंस्टेंट्स इन योर प्रिपरेशन ये सारा का ये प्रोग्राम उनके लिए है जो भी बच्चा स्टडी आई का स्टूडेंट है एनी पर्सन हु इज स्टडी आई स्टूडेंट अगर प्रिलिंस क्लियर कर लेता है नेक्स्ट ईयर सो हम स्टडी आई क्यू बेसिकली दैट पर्सन इज बेसिकली कॉल टू द स्टडी आई क्यू कैंपस आपको स्टडी आई क्यू के कैंपस में बुलाया जाता है ऑल एक्सपेंसिस पेड ऑफलाइन कोचिंग के लिए मतलब कि आप प्रीलिम्स uh, का जब रिजल्ट आ जाएगा अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है तो उससे आने उसके अगले तीन से साढ़े तीन महीने का जो मेंस की प्रिपरेशन होती है वो आप घर पे ऑनलाइन नहीं करते हैं वो आप स्टडी आईक्यू के कैंपस में करते हैं एंड स्टडी आईक्यू टेक्स केयर ऑफ द एक्सपेंसिस मतलब कि आपके जो लॉजिंग के फूड के और जो स्टडी के जो भी एक्सपेंसिस हैं वो आपको नहीं पे करनी वो स्टडी आईक्यू को पे करने पड़ते हैं

2024 में जब आप मई में, में प्रीलिम्स देंगे अगर आपका वो प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो फिर आपको तीन से साढ़े तीन महीने के लिए बेसिकली स्टडी आई क्यू के डेली कैंपस में बुलाया जाता है ऑल एक्सपेंसेस पेड आपको उसमें बेसिकली कोई भी कुछ पेमेंट वेमेंट नहीं करनी है आपके रहने का लॉजिंग योर हॉस्टल योर फूड योर टेस्ट सीरीज योर क्लासेज ऑल दैट इज बेसिकली टेकन केयर ऑफ द बाई स्टडी बाई स्टडी आई क्यू सो जो फाइनेंशियल कंस्टेंट्स जो थे जो कि बेसिकली अभी मेंस की प्रिपरेशन में आ जाते हैं दैट वुड बेसिकली बी टेकन Care of. मुझे लगा कि क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा बात याद जरूर दिला देता हूँ नाउ वंस वी आर डन लेट्स कम बैक टू द मेन टॉपिक जो कि हमारा पर्पस है बैकग्राउंड ये जो दोनों बैकग्राउंड है इन दोनों मूवमेंट का नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट का दिस एक्चुअली स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत ही Tumultus, अगर हम शब्द का प्रयोग करें तो बहुत ही मतलब uh, वाला था तो उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने काफी सारे से थे वर्ल्ड बट साथ ही साथ तो उन्होंने वर्ल्ड वॉर वन के समय टाइम चल रहा था वॉर चल रही थी तो अपनी कॉलोनीज को बड़े बड़े प्रोमिस किए थे कि वी विल गिव यू सेल्फ रूल हम आपको बेसिकली सवराज देंगे या कुछ इस प्रकार से नाउ ये जो गवर्नमेंट की जनरोसिटी के जो जुमले हुआ करते थे या फिर जो बेसिकली उनके प्रामिसज हुआ करते थे वो सारे के सारे इंडियन सब्जेक्ट्स की तरफ वो जो जितनी भी होप थी जो वर्ल्ड वॉर वन में बनी थी नाइनटीन हंड्रेड के एटीन के समय में वो सारी की सारी हवा हो गई कैसे क्योंकि जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुई दे बेसिकली बैक ट्रेड ऑन एवरी प्रोमिस ईयर 1919 वेरी स्पेसिफिकली देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रांगली डिसकंटेंट बनता है हमारे सारे के सारे सेक्शंस ऑफ इंडियंस में कैसे कैसे रॉल अटैक्ट और जलियावाला बाग मैसेकर और मॉन्टेक चैंसफोर्डर रिफॉर्म्स इन तीनों से ऑल दीज थ्री फर बेसिकली डिसअपॉइंटिंग फॉर इंडियंस एंड क्रिएटेड अ लॉट ऑफ डिसकंटेंट इन इंडियन एक तो वॉर थी तो वॉर बहुत ही uh, सिचुएशन ऐसी होती है तो उसकी वजह से हमारी इकॉनमी ख़राब हो गई थी तो इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी अलार्मिंग थी प्राइसेस बढ़ गए थे जो कि हमारी इंपॉर्टेंट नेसेसिटीज़ हैं फूड के मिल्क के जनरली साथ ही साथ जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी उनके प्रोडक्शन घट गई थी अगेन वॉर के समय में ऐसी कोई चीज़ जो आ, आ, जो वॉर की जो चीज जरूरतें होती हैं सारी की सारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होती है उस तरफ मोड़ दी जाती है तो यूजुअली दूसरी चीजों की सप्लाई भी गिर जाती है टैक्सेस और रेंट्स गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तो वो सारा का सारा पैसा कहां से निकालो उन्होंने बेसिकली इंडियन से तो जितने भी भारत के समाज के सोसाइटी के सेक्शन थे वन वे और दी अदर वो इस ब्रिटिश एटीट्यूड से सफर किए एंड हर एक सेक्शन में जैसे कि वर्कर्स इंडियर इंडस्ट्रियलिस्ट स्टूडेंट्स फार्मर्स पेजेंट्स

गलती की है जनरल डायर ने मे बी देर वुड बी ब्रिटिशर्स वुड टेक एक्शन एंड दे विल पनिश द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर दलिया वाला बाग में ऐसे कर जिनके लिए उन्होंने हंटर कमेटी उन्होंने कमेटी बिठाई जिसका चेयरमैन हंटर था तो उसके इसलिए हंटर कमेटी कहते हैं पंजाब एट्रोसिटीज पर बट वो भी बेसिकली एक आई वॉश निकली द हाउस ऑफ द लॉर्ड्स ब्रिटिश पार्लियामेंट का राज्यसभा हाउस ऑफ द लॉर्ड जो है उन्होंने रादर जनरल डायर के एक्शन को बेसिकली एंडोर्स भी किया बोला कि उन्होंने देशभक्ति के लिए काम किया है उस समय पंजाब के अंदर बड़ी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चलती थी अगर जनरल डायर ऐसा ना करते तो हो सकता है हम इंडियन एम्पायर को लूज कर देते दिस एंडोर्स इट इन द राज्यसभा ऑफ देयर पार्लियामेंट ब्रिटिश पब्लिक ने खुद जनरल डायर के लिए सॉलिडिटी मतलब पाउंड ऑफ दैट टाइम उस समय के जो पाउंड थे उस समय उसको कलेक्ट करके दिए ये जले वालाकर के बाद एक लास्ट और बात थी कि ब्रिटिशर्स ने नाइनटीन हंड्रेड सेवनटीन में 1917 सौ सत्रह में मॉन्टेग के द्वारा

They were ill उन्होंने एक बड़ा नया प्लान निकाला था डायरकी का विच बेसिकली फेल टू दी डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट तो उसका कोई खास फायदा हुआ नहीं वर्ल्ड वॉर वन के बाद पीरियड के बाद सबसे पहले ऑल्सो प्रिपरेशन फॉर दॉमन पोलिटिकल एक्शन बाय दिंदूज एंड द मुस्लिम अब हिंदूज और मुस्लिम वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्यों वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्यों साथ आ रहे हैं सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है, है लखनऊ पैक्ट लखनऊ पैक्ट ऑफ नाइनटीन लखनऊ so, पैक्ट 1916 का दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है लखनऊ सेशन यानी कांग्रेस का उसमें एक तो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आके एक दूसरे के साथ पैक्ट साइन किया था दे अग्रीड टू सेवरल डिमांड्स और बेसिकली उसका कंक्लूजन ये निकला कि दोनों के दोनों इकट्ठे स्वराज की डिमांड करेंगे सो दे केम टूगेदर ऑन सेवरल पॉइंट्स एंड साथ वो सूरत स्प्लिट हुआ था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जिसमें अलग हो गए थे लखनऊ में वो बेसिकली वापस जुड़ गए थे. तो मतलब कि अब हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट एक नई डायरेक्शन पकड़ सकती थी साथ ही साथ रॉलेट एक्ट की जो एजिटेशन थी ना उसमें जो एट्रोसिटीज हुई थी वो सब पे होती है वो सिखों के ऊपर हुई है मुस्लिम के ऊपर हिंदू के ऊपर सो देर वॉज काइंड ऑफ ए सॉलिडिटी इंडियन एंड कुछ जो रेडिकल नेशनलिस्ट मुस्लिम थे जैसे कि मोहम्मद अली अबुल कलाम आज़ाद हकीम अजमल खान हसन इमाम अब ये थोड़े से ज़्यादा इन्फ्लुन्शल हो गए थे जो कि कंजरवेटिव जिसको देर आर टू स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लीग एक तो कहते हैं अलीगढ़ स्कूल अलीगढ़ स्कूल यानी कि जो थोड़ा सा कंजरवेटिव स्कूल ऑफ थॉट है कंजरवेटिव स्कूल ऑफ थॉट कहने का मतलब है कि दे थिंक कि दे हिंदू और मुस्लिम के जो इंटरेस्ट हैं वे दोनों इकट्ठे अलाइन नहीं करते हैं इन दोनों का

अब लीग को डोमिनेट करने लगे थे तो ये जो यंगर एलिमेंट्स थे राइट मोहम्मद अली अबुल कलाम आजाद दे स्टार्टेड दे एडवोकेटेड द मिलिटेंट नेशनलिज्म और अब धीरे धीरे एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहते थे नेशनलिस्ट मूवमेंट में और इनके पास एंटी इंपीरियलिस्ट सेंटिमेंट थे तो आप अगर इससे बहुत अच्छी तरीके से हम कॉन्ट्रास्ट इस बात का निकाल ही सकते हैं कि जो अलीगढ़ स्कूल है इज द कंजर्वेटिव स्कूल इज बेसिकली काइंड ऑफ प्रो गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट के थोड़े से ज्यादा लॉयल है दे डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट रदर उनका एक ही इंटरेस्ट है कि मुस्लिम इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए पर दीज न्यू यंगर रेडिकल लीडर्स ऑफ द मुस्लिम दे वॉन्ट टू पार्टिसिपेट और इनमें थोड़े से एंटी इम्पियरिस्ट यानी कि एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट भी है ऐसे इसी एटमोसफेयर में ये लखनऊ पैक्ट ये रॉलेट एक्ट और ये नई रेडिकल इस्लामिस्ट लीडर के कॉन्टेक्स्ट में खिलाफत मूवमेंट की वेरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अब खिलाफत है क्या खिलाफत के बारे में वे फॉर कंसोलिडेशन ऑफ देंस ऑफ ए रेडिकल नेशनलिस्ट ट्रेंड यंगर जनरेशन ऑफ द मुस्लिम्स एंड द सेक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल मुस्लिम स्कॉलर जो कि इस समय धीरे धीरे ब्रिटिश रूल के क्रिटिकल हो गए थे तो आप ये कह सकते हैं कि 1919 से पहले 1919 से पहले आ, ओल्डर, आ, मुस्लिम लीडर्स या जो थे या फिर जो थे थे वो लेकिन ये थोड़े से ज्यादा रेडिकल है ट्रीटमेंट गिवन टू टर्की द ब्रिटिश आफ्टर वर्ल्ड वॉर सीधी सी सिंपल है जो मैंने बात बताई मैं उसको एक बार रिपीट करता हूँ

जो मुस्लिम थे मुस्लिम थे वो तुर्की के जो सुल्तान होते थे उसको अपना स्परिचुअल रिलीजियस लीडर वो सारे मुसलमानों का रिलीजियस लीडर माना जाता था कॉल्ड एज खलीफा सो द इंडियन मुस्लिम सिंपथीज ड्यूरिंग दर्ल्ड वॉर वन लाइड विद द तुर्की क्योंकि उनके रिलीजियस लीडर हैं ड्यूरिंग दॉर तुर्की

जितने भी मुस्लिम्स हैं उनका जो रिलीजियस लीडर है वो पावर में नहीं रहेगा और टर्की को डिसमेंबर भी कर दिया गया सो दिस ट्रीटमेंट दैट वाज गिवन वाज नॉट एक्चुअली लाइक् इंडियन मुस्लिम्स सो इन इंडिया द मुस्लिम्स ऑफ दैट इंडिया डिमांडेड फ्रॉम द ब्रिटिशर्स की पहले जो खलीफा का मुस्लिम सीक्रेड प्लेसिस के ऊपर कंट्रोल है उसको रिटेन कीजिए एंड खलीफा शुड बी लेफ्ट विद सफिशेंट टेरिटरीज आफ्टर दियल रीअरेंजमेंट्स

खिलाफत कमिटी वॉज फॉर्मड और किन लोगों की वजह से दो इंपॉर्टेंट लोग हैं? अली ब्रदर्स, शौकत अली और मोहम्मद अली।, अली, अली ध्यान से 1924 नाम, नाम तो में खत्म हो जाती है सो तो दीज टू पीपल अभी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ अलाइन किए हुए हैं बट देन दे लीव मुस्लिम लीग और ये मुस्लिम लीग में ज्वाइन करके दे प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ द पाकिस्तान ओके ठीक है तो ऑल दिस पीपल अली ब्रदर्स शौकत अली मोहम्मद अली ये दोनों भाई हैं uh, मौलाना आजाद अजमल खान और हसरत मोहानी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स करना चाहते हैं या डिमांड रखना चाहते हैं कि तुर्की के अगेंस्ट जो है एटीट्यूड को चेंज किया जाए दस क्राउंड फॉर अ कंट्री वाइड एजुकेशन बेसिकली बिगन अब इसके साथ साथ खिलाफत लीडर्स स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुआ था 1900,

इसके साथ साथ पैरली वर्ल्ड वॉर टू खत्म वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी है और ट्रीटी ऑफ सेवरिस साइन हो चुकी है एंड इसके आगे अगस्त के आगे नवंबर में जो ये पिछले एक साल से खिलाफत मूवमेंट बन रही है इन्होंने एक मीटिंग के अंदर ये पास किया लॉ की

खिलाफत मूवमेंट मुस्लिम चलाने लग रहे हैं इसमें हम मास को इन्वॉल्व कर सकते हैं और यूनाइटेड मुस्लिम और हिंदू को यूनाइट करके एक नॉन कॉपरेशन डिक्लेयर कर सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही वॉज एनी

क्यों? क्योंकि एक रिलीजियस इशू है उसको इस बात का भी था कि सत्याग्रह काम करेगा या नहीं करेगा बाल गंगा तिलक इज रेडिकल इज इज ए मिलिटेंट नेशनलिस्ट ठीक है सो ही थॉट कि सत्याग्रह टाइप का जो नॉन वायलेंट तरीका है वो एज ए पॉलिटिकल फोरम या एज मूवमेंट या एज ए प्रोटेस्ट काम करेगा भी नहीं करेगा तो स्केप्टिक्स थे उस चीज के एंड गांधी मेड अ कंसर्टेड बिट टू कन्विंस उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को कन्विंस करने की कोशिश की कि सत्याग्रह के अंदर है सच्चाई इसका रिजल्ट आएगा एंड यह भी समझाने की कोशिश की मुस्लिम कम्युनिटी को खिलाफत इशू उनके लिए इंपॉर्टेंट है और यह सही मोमेंट है हिंदू और मुस्लिम्स को यूनाइट करने का कुछ और अपोजिशन भी थे गांधी के नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम के की काउंसिल्स जो मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स में और जो मॉन्टेक ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स में जो इंडियन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी

तुर्की के खलीफा को सही तरीके से ट्रीट कीजिए और गिव द ट्रीटमेंट <coughs> फेवरेबल ट्रीटी उनके साथ साइन कर लीजिए तो इसके साथ ज्वाइंट हिंदू मुस्लिम एक डेप्यूटेशन किया गया बट द मिशन अबॉर्टिव वॉइस रॉय को कोई फर्क नहीं पड़ा वॉइस रॉय भी लाइक वॉयसॉय विर्ड थे उस समय तो भी भी लाइक देखेंगे तुम्हारे मुद्दों को फरवरी 1920 में गांधी जी ने अनाउंस किया कि पंजाब रॉन्ग एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस खिलाफत एंड ही वुन लीड मूवमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन अगर पीस ट्रीटी इंडियन मुस्लिम्स को सेटिसफाई नहीं कर पाई बेसिकली महात्मा गांधी की एक स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्या स्टेटमेंट है पंजाब रॉन्ग एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कैन वेट सबसे पहले खिलाफत जो इशू है इसको सॉल्व करो राइट तो अगेन इंटरनेशनली क्या चल रहा है कि अब हम जो ब्रिटिशर्स हैं दे आर प्लानिंग टू साइन अ ट्रीटी विद ऑटोमन एम्पायर तुर्की के साथ एक ट्रीटी साइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी उसकी प्रिपरेशन में गांधी मेक्स दिस स्टेटमेंट इन फेबररी और स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट समझिए कॉन्टेक्स्ट ये है कि गांधी इज रेडी टू पुट टू इंपॉर्टेंट इश्यूज बिहाइंड द खिलाफत वो कह रहे हैं कि खिलाफत जो इशू है इसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए पंजाब रॉन्ग्स का भी जवाब चाहिए हमें हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी चाहिए पर ये दोनों से पहले खिलाफत जो मूवमेंट है इसका बेसिकली सजेशन चाहिए सो गांधी सेड कि पंजाब एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस हैव हैव फॉर दिस बीन खिलाफत क्वेश्चन मतलब कि इस समय खिलाफत क्वेश्चन ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए सो मई नाइनटीन में ब्रिटिशर्स जाते हैं और ट्रीटी ऑफ सेवरेस्ट साइन कर लेते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ा

जो खिलाफत मूवमेंट था अब वो बेसिकली बर्निंग हॉट टॉपिक हो गया बिकॉज तो 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 नाउ ना। इंडियन मुस्लिम्स वांट। ये क्या ऐसा नहीं करना चाहिए था जून 1920 में एक ऑल ऑल पार्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस हुई का मतलब हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो है ये सब के सब अलाहाबाद में मिलते हैं और इन्होंने प्रोग्राम किया कि लेट्स स्टार्ट बॉयकॉटिंग क्या करेंगे स्कूल्स को बॉयकॉट करेंगे इंडियंस विल नॉट गो टू ब्रिटिश स्कूल्स कॉलेजेस को बॉयकॉट करेंगे लॉ कोर्स को बॉयकॉउट करेंगे एंड दे फिगर्ड कि महात्मा गांधी यू सीम लाइक अ

अगस्त इकतीस उन्नीस सौ बीस सिंपल दिलक हेड इंसिडेंटली ब्रीथ इज लास्ट उसी आ, महीने बेसिकली एक अगस्त उन्नीस सौ बीस को बाल गंगाधर जी का भी निधन हो गया था सितंबर नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी में एक स्पेशल सेशन हुआ था कलकत्ता में

उनको बेसिकली रिमूव कीजिए और खिलाफत जो हैं उनको रिमूव कीजिए। so ये हमारी दो डिमांड है और हमें स्वराज दे दीजिए अगर नहीं देंगे हम आपकी जो, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ सिस्टम हम बेसिकली जो जस्टिस है वो पंचायत के द्वारा डिस्पेंस करेंगे हम आपके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है हम इनको बॉयकॉट करेंगे जैसे कि कुछ लीडर्स थे जैसे कि सी आर दास वो नहीं चाहते थे कि बेसिकली काउंसिल्स को बॉयकआउट करें बट एट दैट टाइम सारे के सारे कांग्रेस को सेम उस पे पेज पर लिया गया था लीडर्स डिड द इलेक्शन और बड़े सारे से जो वोटर्स थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था सो वी फिगर्ड और कपड़े फॉरन क्लोथ बॉयकआउट करेंगे खादी यूज किया करेंगे हैंड स्पिनिंग करेंगे हाथ से खादी बुनेंगे रिनंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट ऑनर्स एंड टाइटल्स गवर्नमेंट के द्वारा जो ये सर के जो खिताब दिए जाते थे के, के खिताब दिए जाते थे इन सबको रिसेंड कर दिया जाएगा कर दिया जाएगा भारतीयों के द्वारा एंड मास सिविल भी हो सकती है रेजिग्नेशन करेंगे गवर्नमेंट सर्विसेज से जो कर सकता हो वो करे नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेज ना पे करना चाहे वो टैक्स ना पे करे ड्यूरिंग द मूवमेंट द पार्टिसिपेंट्स वर सपोज टू वर्क फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड द फॉर रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी ऑल द टाइम रिमेनिंग नॉन वायलेंट

एक इंपॉर्टेंट चेंज किया गया था कांग्रेस में नाउ इंस्टेड ऑफ हैविंग द अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन द कांग्रेस डिसाइडेड कि अब वो स्वराज को अटेन करेंगे थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स कमिटिंग इट्स इटसेल्फ टू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास्टर्सल ये आपके किसी ना किसी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स का एक एमसीक्यू है ध्यान रखो क्या हुआ यार 1920 में एक पैरामीटर इंपॉर्टेंट चेंज हो गया है. 1920 से पहले वो 1885 में बनी हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रीएम्बल है बेसिकली एक प्रकार से रूल है कि हम जो भी करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब उस समय ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए लॉ तो दे वुड नेवर गो आउटसाइड द ब्रिटिश मेड लॉज फाइन दिस वाज द रूल 1920 से पहले नाउ 1920 के सेशन में नागपुर सेशन में नागपुर सेशन में इन्होंने एक सुपर इंपॉर्टेंट चेंज कर दिया है। ट इज दैट दी विल अटेन स्वराज थ्रू पीसफुल एंड लेजिटीमेट मीन बट वी कैन गो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है प्रलिम्स पर क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा प्रिलिम्स का कि उन्नीस सौ बीस से पहले कांग्रेस का पर्पस है स्वराज पाना बट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ओके okay. 1920 के बाद उनका पर्पस है स्वराज पाना थ्रू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन दो पीसफुल एंड लेजिटिमेट तरीके पीसफुल रहेंगे बट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकते हैं यानी कि हड़ताल हड़ताल कर सकते हैं बॉयकॉट बॉयकॉट कर सकते हैं नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस ये सारे के सारे क्या हैं दे आर वे ऑफ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास्ट्रगल नाइनटीन के बाद ये स्टार्ट हो जाता है एंड 1920 का जो ये नागपुर सेशन है ये और एक, एक काम के लिए कि जो कांग्रेस हुआ करती थी उसका वर्किंग सिस्टम स्टाइल हो गया व्हिच लीड कांग्रेस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनाई गई थी एंड वार्ड कमेटी वन ऑर्गेनाइज अब देखो दो चीजें इस पर बिल्कुल याद करके जाना यहां यहाँ ये दोनों की दोनों चीजें सबसे इंपॉर्टेंट ये जो नागपुर सेशन है नागपुर का जो ये सेशन है 1920 हंड्रेड ट्वेंटी का ठीक है इस सेशन क्यों है दो सुपर इंपॉर्टेंट चेंजेस हो रहे हैं मतलब प्रियम्बल में बोल दिया कि वी विल डू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल लाउ तो एक तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल हो गया सेकेंड एंड दिस इज इंपॉर्टेंट दे चेंज हाउ द कांग्रेस फंक्शन एक सेंट्रल वर्किंग कमेटी बना दी पंद्रह लोगों की तो इन पंद्रह लोगों अब ये डिसीजन लेते थे कांग्रेस का सो so, 1920 के बाद जब भी आप सुनोगे ना कांग्रेस डिसाइडेड दिस कांग्रेस डिसाइडेड दैट कांग्रेस विड्रू दिस मूवमेंट कांग्रेस स्टार्टेड दिस मूवमेंट सो बेसिकली दैट डिसीजन इज टेकन बाय दिस 15 पीपल ये इन 15 लोगों के द्वारा वो डिसीजन लिया गया कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा सो तो, सिविल लॉन्च तो कांग्रेस कांग्रेस ने कुछ डिसाइड कर लिया पार्टिसिपेट इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सो कौन था ये नहीं कर रहा था. कि And, इसके साथ ही साथ वाला, भी इंपॉर्टेंट वाला, कांग्रेस की प्रोविंशियल जो हुआ करती थी वो बनी है लिंग्विस्टिक बेसिस पर भाषा के आधार पर This is basically the Genesis, कि बाद में इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये अब हम ऑब्वियसली डेफिनेटली याद रखेंगे ठीक है और इस समय में दिस इज दाइनटीन हंड्रेड 1920 के समय में कुछ इंपॉर्टेंट लीडर ध्यान रखिये मोहम्मद अली जिन्ना ये आदमी अब जाके थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एनी बसंत जी एस खरपड़े एंड बिपिन चंद्रपाल ही दे लेफ्ट द कांग्रेस इनको लगता था कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉफर स्ट्रगल करेंगे वी डोंट वांट टू गो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल साथ ही साथ सुरेंद्र नाथ बैनर्जी उन्होंने भी छोड़ दिया उन्होंने इंडियन नेशनल लिबरल फाउंड फेडरेशन बनाई थी बट इट फिजल्ड आउट इट डेंट एक्चुअली हैव एनीथिंग इंपॉर्टेंट टू डू आफ्टर नाइनटीन

तो महात्मा गांधी अली ब्रदर्स के साथ जो कि खिलाफत मूवमेंट के जेनेसिस थे उनके साथ पूरे के पूरे नेशन वाइड टूर करते हैं बड़े सारे से स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स स्कूल, स्कूल, कॉलेजेस स्कूल, स्कूल, छोड़ स्कूल देते हैं दे ज्वाइंड अराउंड 800 हंड्रेड नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेज विच अप ड्यूरिंग टाइम देश के खुद के स्वदेशी स्कूल बनते हैं ये एजुकेशनल अंडर द लीडरशिप ऑफ नाव ध्यान रखें तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एजुकेशनली क्या इंपैक्ट आ रहा है तो उस समय के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं तो जब बच्चे ब्रिटिशर स्कूल छोड़ देंगे तो पढ़ाई नहीं छोड़नी ना तो हम अपने खुद के लिए नए स्कूल बनाते हैं और वो बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि आचार्य नरेंद्र देव सी आर दास लाला लाजपत राय जाकिर हुसैन सुभाष चंद्र बोस दे स्टार्टेड कि आप अगर स्कूल छोड़ रहे हैं ब्रिटिशर्स वाला सो वी आर गोना टीच यू सुभाष बोस उस समय बेसिकली कलकत्ता के नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल भी बन जाते हैं एंड इसी समय में इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जामिया मिलिया जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में स्टार्ट किया जाता है पहले कैंपस जामिया मिलिया का अलीगढ़ में था बाद में बेसिकली वो दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया काशी विद्यापीठ गुजरात विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ सो so, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कॉन्सिक्वेंस है बिकॉज वी आर बॉय कॉटिंग द ब्रिटिश स्कूल्स वी हैव टू स्टार्ट अवर ऑन तो जामिया मिलिया इस्लामिया आ, काशी विद्यापीठ गुजरात विद्यापीठ और बिहार बिहार विद्यापीठ वर द नेशनलिस्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस

तिलक स्वराज फंड तिलक स्वराज फंड बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए फंड बनाई गई थी जिसमें भारतीय डोनेट कर सकते थे ओवर सब्सक्राइब हो गई थी एक करोड़ रुपए एक करोड़ रुपए कलेक्ट हो गए थे एंड द कांग्रेस वॉलंटियर कॉप्स एमर्ज्ड एज ए पैरल पुलिस आल्सो चलिए चल रही है जुलाई 1921 में अली ब्रदर्स ने मुस्लिम्स को टू रिजाइन फ्रॉम आर्मी एज इट वॉज अनिजियोजेस टू दैट इफेक्ट गांधी जी का सिंपल प्लान था सबको जेल करा दो को जेल ले जाएंगे ब्रिटिशर्स आई थिंक बिकॉज दिस इज दी नाउ रिमेंबर

ठीक है नाउ द कांग्रेस गेव अ कॉल टू लोकल कांग्रेस कि भाई सिविल डिसोविडियंस स्टार्ट कर दो अगर आपको लगता है अपने इंडिविजुअल डिसीजन लेना अगर आपको लगता है कि इस समय लोग तैयार है आपको इफ यू आर गेटिंग वाइब गो फॉर इट और अ नो टैक्स मूवमेंट अगेंस्ट यूनियन बोर्ड टैक्सेस मिदनापुर गुंटूर में उस समय चल भी रही थी याद रखना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में दो जंग मिदनापुर बंगाल और गुंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर नो टैक्स कैंपेन चल भी रहे थे तो ऐसी समय में महात्मा गांधी और उस समय की जो कांग्रेस कमिटीज थी उन्होंने लोकल कमिटीज को ये इंस्ट्रक्शन uh, दी थी कि यू कैन स्टार्ट इफ़ यू वांट आसाम में स्ट्राइक्स चल रही थी टी प्लांटेशन में आसाम बंगाल रेलवेज में एक जे एम सेन गुप्ता के द्वारा स्ट्राइक ऑर्गेनाइज़ की गई थी काफी है 1921 में, विजिट करने आते हैं, अपनी कॉलोनी को प्रिंस ऑफ वेल्स बट जब वो आए थे so जहां पर भी जाते थे स्ट्राइक्स होते थे उनके अगेंस्ट डेमोन्ट्रेशन होते थे काले झंडे दिखाई जाते थे uh, now, इसी समय में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में बड़े सारे से लोकल स्ट्रगल्स स्टार्ट होते हैं अब इन लोकल स्ट्रगल्स को हम सेपरेटली पढ़ेंगे बट अभी के लिए सिर्फ नाम सुन लेते हैं जैसे कि अवध किसान मूवमेंट उत्तर प्रदेश में ईका मूवमेंट उत्तर प्रदेश की मापिल्ला रिवोल्ट मालाबार में सिख एजिटेशन फॉर द रिमूवल ऑफ द महंत अकाली मूवमेंट जिसको कहा जाता है सो तो वो सब पैरल या फिर बेसिकली किसी प्रकार से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के स्ट्रेंड्स थे किसी न किसी प्रकार से उन्हीं से अफेक्ट हो रहे थे ईका मूवमेंट मापिल्ला रिवोल्ट या अवध किसान मूवमेंट टली इन दिज लोकल रिबिलियन इन द लोकल रिवर्ट्स प्रेजेंट्स या फार्मर रिवोर्ट में पढ़ेंगे हम इसको लेकिन रखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में लोग क्या, क्या करते हैं सबको देखते हैं मिडिल क्लास भाई मिडिल क्लास लेट द मूवमेंट एट द बिगनिंग बट उसके बाद थोड़ी देर में वो थक गए थे ठीक है सो कलकत्ता बॉम्बे मद्रास यहां पर जो इलीट पॉलिटिशियंस थे द रिस्पॉन्स वॉज वेरी लिमिटेड ठीक है यहां पर बहुत ज्यादा मतलब बड़े शहरों में बहुत अच्छा नहीं आया था द द टू कॉल फॉर रेजिग्नेशन सरेंडरिंग ऑफ टाइटल नॉट टेकन सीरियसली इट्स इट्स डिफिकल्ट यू हैव अ गवर्नमेंट जॉब एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर की रिजाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब वेल इफ यू डू सपोर्ट द इंडियन नेशनल मूवमेंट कॉज और खिलाफत कॉज इट्स काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट सो so, हम थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं जिन्होंने बेसिकली इस मुद्दे को सीरियसली नहीं लिया था ठीक है तो मिडिल क्लास के कुछ सीरियस लोग थे जो कि पहले तो बहुत एंथुजियास्टिक थे जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी बट दे हैड सर्टन रिजर्वेश अबाउट इट तो उन्होंने बहुत लंबे समय तक मिडिल क्लास ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था कंपेरेटिव न्यू कमर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स फाउंड एक्सप्रेशन ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड एस्पिरशंस इन दी मूवमेंट राजेंद्र प्रसाद बिहार में वल्लभ भाई पटेल गुजरात में उनको सॉलिड सपोर्ट दिया लीडर्स लाइक देम फाउंड नॉन कोऑपरेशन टू बी वेरी वायबल पॉलिटिकल और अगर नोटिस करोगे तो दीज आर द लीडर्स जो कि बाद में बहुत ज्यादा मैसिवली बड़े लीडर्स हो जाते हैं राइट राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल सो दे मतलब राजेंद्र प्रसाद जी बिहार में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आगे चला रहे हैं ही ही सपोर्टिंग फीस फिगरिंग आउट कि दिस सीम्स लाइक अ प्लान दिस इज अ गुड प्लान रादर देन फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ये अच्छा तरीका है वल्लभ भाई पटेल गुजरात में उसको आगे प्रमोट करने लग रहे हैं बिजनेस प्लान बिजनेस क्लास बड़ा सपोर्ट कर रही है क्यों क्योंकि उस समय जो बॉयकॉट का आइडिया था वहां पर ले लो इंडियन मिडिल क्लास इज नॉट सपोर्टिंग क्योंकि मिडिल क्लास टू रिजाइन फॉर्म दी गवर्मेंट जॉब्स वहां पर बट द इंडियन बिजनेस इंडस्ट्रीज क्लास नाउ देर सपोर्टिंग दॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाई बिकॉज वी आर सपोज टू बॉयकॉट द ब्रिटिट गुड दैट इज गोइंग टू

ट थ्रेड पहनती है तो लोअर क्लास को वो पहनने नहीं देती है एंड दिस सोशल इशू बिकेम पार्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आल्सो इन बिहार ठीक है चलते रहते हैं आगे हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो वैसे जो महात्मा गांधी का प्लान था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का इट डिड सक् वी वुड हैव टू गिव इन टू दैट आइडिया हिज प्लान वॉज नॉट एक्जैक्टली विदाउट एनी पॉइंट मतलब हाँ सेंस था थोड़ा सा इस पॉइंट का एक सेकेंड रुकिए Yep. The massive participation of the Muslims and the maintenance of the communal unity, despite the events, just uh, say Mopila Prize. The device ran into a problem, needs to restart. We are just collecting some error info, and then we'll restart for you. How many times have that happened with your laptop? <laughs> okay. So this uh, happened on its own. This started. So we'll have to wait.

आप नेटफ्लिक्स देखो आप फालतू क्या नाम है फालतू की इंटरनेट स्क्रॉलिंग करो वो कभी अपडेट नहीं होगा कभी रिस्टार्ट नहीं होगा भरना है दोबारा right you know it right, so we'll से बेसिकली उसको खोलते हैं चलिए दो मिनट रुकिए मुझे Finally. <laughs> and what kind of a weird behavior is this? It just switched off and switched on itself. And no purpose, right? Kudi switch off, karke, switch on karke, on okay. मुस्लिम यूनिटी काफी अच्छी हो गई थी ठीक है अब आते हैं हैं वापस फाइनली थैंक गॉड गवर्नमेंट बाय द वे हम सब देख रहे इंडियन नेशनल मूवमेंट मुस्लिम यूनिटी सब कुछ ये हो रहा है गवर्नमेंट क्या कर रही थी भाई टॉक्स बिटवीन गांधी एंड द रीडिंग रीडिंग का मतलब ऐसा पढ़ाई नहीं मतलब उस समय वाइस रॉय का नाम ही रीडिंग है ठीक है नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी रीडिंग है वाइस रॉय ब्रोक डाउन इन मे नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी वन गवर्मेंट चाहती थी गांधी जी को मतलब जो रीडिंग था कि तुम गांधी हो तुम अर्ज करो अली ब्रदर्स को टू रिमूव पोर्शन फ्रॉम स्पीचेस सजेस्टेड वायलेंस एंड महात्मा गांधी इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग सी दिस इज़ द सेम महात्मा गांधी जो कि चौरा चौरी इंसिडेंट के ऊपर देयर स्पीचेस एडवोकेटेड अगेंस्ट सो नाउ

लड़ाई करवाने की कोशिश कर रही है खिलाफत लीडर्स के बीच में तो मैं इस ट्रैप में नहीं आऊंगा इन डिसंबर गवर्नमेंट केम डाउन हैविली ऑन दी प्रोटेस्टर्स वॉलेंटियर कॉर्प्स जो हुआ करते थे कांग्रेस के उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया पब्लिक मीटिंग्स बैन हो चुकी थी प्रेस को बेसिकली बंद कर दिया एंड मोस्ट ऑफ द लीडर्स सिर्फ और सिर्फ गांधी को छोड़ के बाकी सबको अरेस्ट कर लिया ये मई 1921 की बात है फरवरी 1922 में मूवमेंट खत्म होने वाली है याद रखिएगा चलिए द लास्ट फेज ऑफ द मूवमेंट गांधी इस समय इंक्रीजिंग प्रेशर में आ गए थे

अहमदाबाद अब अहमदाबाद के जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट थे सी आर दास परंतु वो जेल में थे क्योंकि पुलिस ने सबको बंद कर रखा था तो हाकिम अजमल खान प्रिजाइडिंग थे एक्टिंग ये बात याद रखनी है मतलब सब में 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 नहीं होता है है ये इसी में 1921 वाले सेशन में ही बड़ी स्पेसिफिक कि जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस के सी आर दास इज इन द जेल सो जब सेशन होता है तो हाकिम अजमल खान इज द एक्टिंग प्रेसिडेंट एट दैट टाइम ही अपॉइंट्स गांधी एज द सोल अथॉरिटी ऑन द इशू कि क्या करना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या करना है सिविल डिसोबिड में जाना है, नहीं जाना है है नहीं सो जो बोलेंगे महात्मा गांधी डिसाइड आई एम गोइंग टू डू दिस गांधी थ्रेट टू लॉन्च सिविल डिसोबिड फ्रॉम बारडोली इन गुजरात दो डिमांड रखते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन सबको रिलीज कीजिए and press controls has to be removed. So the catch is this, my friend. ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, बड़ी important बात है. Non cooperation movement चल रही है. Non cooperation movement चल रही है धीरे धीरे अली ब्रदर्स जो है वो रेडिकल होते जा रहे हैं खिलाफत मूवमेंट का बेसिकली ब्रिटिशर्स ने कोई रिस्पॉन्ड दिया नहीं अली ब्रदर्स जो है बेसिकली वॉयलेंस के लिए कहने लग रहे हैं मुस्लिम्स को एंड महात्मा गांधी उनको बेसिकली प्लेकेट करने के लिए उनको रोकने के लिए मना कर देता है और महात्मा गांधी जी के ऊपर इस बात की नाइनटीन के एंड की लास्ट 1921 के एंड में इस बात का प्रेशर है कि दे शुड स्टार्ट दी नेक्स्ट स्टेज तो सेशन होता है यहां पे अहमदाबाद में यही डिस्कस करने के लिए क्या करना चाहिए 1921 दिसंबर 28 टू 31 इस सेशन में हकीम अजमल खान गिव्स कंप्लीट रिस्पांसिबिलिटी कि यू डिसाइड टू गांधी टू हाउ द मूवमेंट विल वर्क ठीक है फर्स्ट फेब 1922 एक महीने के बाद गांधी डिसाइड्स कि आई एम गोइंग टू लॉन्च सिविल डिसओबिडियंस एक महीने के बाद फर्स्ट फेब 1922 आई एम गोइंग टू लॉन्च सिविल डिस फ्रॉम बारडोली इन गुजरात तो क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा गांधी ने कहा से सिविल डिसोबिड मूवमेंट लॉन्च करने के लिए प्लान किया था बारडोली अब यहां से प्लान किया है एक फरवरी दो डिमांड रखी हैं ब्रिटिशर्स के सामने कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स पिछले एक साल में तुमने अरेस्ट किए उनको छोड़ दो और जो प्रेस रिस्ट्रिक्शन है उनको हटा दो इफ यू डू दिस आई एम गुड इफ यू डोट दिस आई एम एक्चुअली गोइंग टू टेक एक्शन विच वुड बी द सिविल डिसोबिड वो एक फरवरी को कहते हैं इंसिडेंट इंसिडेंट है क्या चौरी चौरा एक गांव है गोरखपुर जिले में आ, यहां पर पांच फरवरी 1922 को एक मेजर इंसिडेंट ऑफ वायलेंस हुआ था जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया इट

स्टेशन पर लोग आए प्रोटेस्ट करने के लिए कि ये क्यों किया गया था तो सिंपल बात है ना शराब के ऊपर तो so आ गया उन्होंने पूरे के पूरे, पूरे पुलिस स्टेशन को घेर लिया और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी वाइल द पुलिस पीपल द कॉन्स्टेबल एंड इंस्पेक्टर इन साइड द पुलिस स्टेशन द टॉर्च द पुलिस स्टेशन विद पुलिस मैन इन साइड और जो भागने की भी कोशिश की दे बेसिकली हैक दम टू डेथ एंड दे थ्रो द्रू दैक इन टू दायर ट्वेंटी बाईस पुलिस मैन वर बेसिकली किल्ड इन दिस इंसिडेंट इंडियंस मतलब ये बाईस जो पुलिसमैन थे कॉन्स्टेबल्स थे ये इंडियंस थे गांधी रियलाइज की जो मूवमेंट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है अब वो इमिडिएटली एक नॉन वायलेंट बजाय वॉयलेंट टर्न ले रही है तो ही 12 फरवरी को ट्वेल्थ ऑफ फेब 1922 को ही अनाउंस द विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट उनका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म कांग्रेस वर्किंग कमेटी बारडोली में मिली फरवरी 1922 में उन्होंने डिसीजन ले लिया था breaking, uh, law, दे स्टॉप ऑल एक्टिविटी ऑफ ऑफ ब्रेकिंग ब्रेकिंग दैट लेड टू द लॉ और कंस्ट्रक्टिव वर्क करना स्टार्ट कर दिया कि अब boycott, boycott कुछ भी नहीं करना है अब मुस्लिम यूनिटी करो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट लगाओ जितने भी नेशनलिस्ट थे जो पहले खुश थे या नहीं थे सारे के सारे मतलब सी आर दास मोतीलाल नेहरू सुभाष बोस जवाहरलाल नेहरू ये सारे के सारे केवर कन्फ्यूज देवर बी विल्डेड ये क्या किया भाई नो

और फरवरी 1922 ये तीन एडिटोरियल थे ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर चार्ज लगाया कि ये तीनों के तीनों एडिटोरियल हैं हैं ये सिडिशियस है। सिडिशियस अर्थात गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसअफेक्शन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ये चार्ज है तुम्हारे पास तो so, महात्मा गांधी वॉज कॉल टू द कोर्ट एंड इन्होंने बेसिकली काफी कूल स्टेटमेंट दी थी इन्होंने कहा कि द जज आस्ट हिम कि तुमने सेडिशन किया है एंड ही सेड कि जो चार्ज लगाया है वो बिल्कुल सच है तो जज ने पूछा कि तुम्हें क्या सजा दो एंडल्टीड अपॉन मी फॉर लॉ इज डिट क्राइम टू मी बी सिटीजन महात्मा गांधी जी कोर्ट में जाके जज को बोलते हैं कि देखिए जज साहब पनिशमेंट देनी हो तो मैक्सिमम देना क्योंकि सेडिशन तो मैंने किया है अगर तुम्हारे हिसाब से ये सेडिशन है तो सारी की सारी कांग्रेस सेडिशियस है और अगर तुम सच्ची मुच्ची के जज हो तो मेरे को देना ना मैक्सिमम पनिशमेंट कम मत दे देना क्योंकि मैं गिल्टी प्ले कर रहा हूं यहां पर तो सेडिशन जो कि सेक्शन 124 ए 124 ए इंडियन पीनल कोड में आता है उसकी मैक्सिमम सजा है 6 साल तुम तो जज ने महात्मा गांधी को 18 मार्च कब मार्च 1922 को छ साल की जेल सुना दी क्योंकि महात्मा गांधी ने अपने अखबार में छापे छापे थे थे तीन खुद ही जाके बोले बोले हाँ मैंने कराया नहीं, नहीं मैं क्या बिल्कुल <laughs> मेरे को पूरी पनिशमेंट चाहिए <laughs> तुम कहीं चार साल की भेज दो नो, 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 नो। लिखा है कि छह साल होता है तो मैं पूरा छह साल लूंगा रहे थे विधी uh, uh, के अकॉर्डिंग उनकी जस्टिफिकेशन ये है कि लोगों ने अभी तक नॉन वायलेंस के पूरे के पूरे मैथड को नहीं सीखा है जो ये चौरी चौरा जैसे इंसिडेंट है ये मतलब बारूद में आग लगाने जैसी सिचुएशन हो सकती है एंड द सिचुएशन कुछ एक्सप्लोर्ड मैसिवली और मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा वॉयेंट हो सकती है और एक वॉयेंट मूवमेंट को सप्रेस करना किसी भी इम्पेरियल पावर के लिए बहुत ही आसान है कोई भी कॉलोनियल रिजीम है उसको एक्सक्यूज मिल जाएगा फॉर यूजिंग द आर्म्ड माइट ऑफ द स्टेट वो बेसिकली फिर आर्मी पुलिस यूज करके बेसिकली इमीजिएटली सप्रेस कर देगी और उसका कोई फायदा नहीं है बिकॉज वी वॉन्ट टू गेट स्वराज वी डोंट वॉन्ट सिचुएशन वेयर द मूवमेंट गेट सप्रेड मूवमेंट वॉज ऑल्सो शोइंग साइंस ऑफ ऑफेटिक साथ ही साथ दो साल से चल रही थी दो साल से चल रही थी सो

लेकिन खुद तुर्की के अंदर जो उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थे वहां पे एक नई मूवमेंट चली नवंबर 1922 में खुद तुर्की के जो लोग थे दे रोज अगेंस्ट सुल्तान जो कि उस समय का खलीफा था द नेम ऑफ द लीडर इज मुस्तफ़ा कमाल पाशा तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा लोगों का लीडर है ही रेज अगेंस्ट दी सुल्तान एंड उन्होंने बेसिकली उससे सुल्तान से पॉलिटिकल पावर ले ली तुर्की को सेकुलर स्टेट बना दिया तो खिलाफत क्वेश्चन की बेसिकली कोई भी रेलिवेंस रही नहीं तुर्की में यूरोपियन

क्योंकि अब इसमें ब्रिटिशर्स का कोई रोल नहीं है अब तर्की के खुद लोगों ने ही कुछ किया है खिलाफत बेसिकली नॉन बात करें एक तो इस मूवमेंट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट uh, अचीवमेंट था कि जो अर्बन मुस्लिम थे बट इट ऑल्सो कम्युनालाइज द नेशनल पॉलिटिक्स क्योंकि नाउ द रिलीजन

एंड जो उस समय के लीडर्स थे उसको बेसिकली एक जो नेक्स्ट लेवल होता है ना सेकुलर कॉन्शियसनेस पे उसको पहुंचा नहीं पाए सो या विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नेशनलिस्ट सेंटीमेंट रीच एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री पॉलिटिसाइज द पॉपुलेशन आर्टिसन पेजेंट स्टूडेंट पुअर वुमेन सबके सब पार्टिसिपेट भी करने लगे और यही पॉलिटिसाइजेशन और जो एक्टिवेशन थी जो इन दो ढाई सालों में हुई थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के इन्हीं ने बेसिकली इस मूवमेंट को थोड़ा सा एक रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर दे दिया

खिलाफत और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी वो स्टार्ट हुई थी क्योंकि उसकी तीन डिमांड थी सबसे पहले तुर्की को फेवरेबल ट्रीटी दो दूसरा पंजाब रॉन्ग से उनको रिड्रेस करो और तीसरा स्वराज को इस्टेबलिश कीजिए इंडिया में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स कीजिए जिसमें इंडियंस को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले तरीका क्या था कैसे अचीव करेंगे हम ये ये हम बॉयकॉट करेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस को लॉ कोर्ट्स को गवर्नमेंट सर्विसेज फॉरन क्लोथ्स को नेशनल स्कूल्स बनाएंगे जामिया मिलिया इस्लामिया गुजरात विद्यापीठ बनारस विद्यापीठ पंचायत के द्वारा न्याय डिस्पेंस करेंगे खादी यूज करेंगे और जरूरत पड़ने पे सिविल डिसोबीडियंस भी करेंगे जो कि गांधी स्टार्ट करने से पहले ही खत्म कर दिए एंड सेशन आप याद कर लीजिएगा नागपुर सेशन जो मैंने बताया वो तो है उन्नीस सौ वाला इंपॉर्टेंट चौरी चौरा इंसिडेंट यू ऑब्वियसली नो एंड जस्ट अ बेसिक अगर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से एसोसिएटेड चीजों को एक लास्ट में रिवाइज करें सबसे पहले तो महात्मा गांधी

इन्होंने गांधी, जी, गांधी के विद्रॉ करने के डिसीजन को भी बेसिकली बहुत ही ज़्यादा अपोज किया था। सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम सिविल सर्विसल टू अचीव समथिंग रेडिकल ही प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल कॉलेज इन कलकत्ता अली ब्रदर्स शौकत अली और जो मोहम्मद अली है ये जब खिलाफत जो क्वेश्चन था जब वो डिसिपेट हो जाता है उन्नीस सौ चौबीस में सो दे कांग्रेस और फिर उसके बाद ये मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लेते हैं

आप अगर स्टी आई स्टूडेंट आपने प्रीलिम्स क्लियर किया बट दट इज क्राइटेरिया दट इज वन क्राइटेरिया ऑफ ज्वाइनिंग दिन रेजिडेंशियल प्रोग्राम ऑफ स्टडी आई क्यू सो अगर अगर आप स्टडी आई क्यू के कोर्स एडमिशन लेट आई डिट इट एंड इफ यू नीड द पी डी एफ ऑफ दिस दिस इज अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम चैनल के आम ऑल ऑल्सो अवेलेबल मुझे डी एम करना तो इंस्टॉ पर कर सकते हो